Now we come to stroke. Very important. You will see in your OPDs, stroke ke time to shayad patient na aayega, lekin reports mein leke aata hai. There are two types of strokes. It should be a ischemic stroke, which is an infarct, or it should be a hemorrhagic stroke. So what happens is the blood pressure is very high. It should be like a 250, 150, a very high blood pressure. The very small, you can see the arteries are very small here. बिल्कुल छोटा कैलिबर होता है. ड्यूरिंग विद दिस हाई प्रेशर दे ब्रेक द रप्चर एंड द ब्लड कम्स आउट दैट एरिया वेयर द ब्लीडिंग हैपेंस क्लॉट हैपेंस इज गॉन प्रैक्टिकली फंक्शनली गॉन सो राइट सो लीड्स टू अ स्ट्रोक. अब वो पर्सन का यू नो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी एरिया इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से लॉस होता है. अगर मोटर एरिया हो गया तो एक्शन चले गए, अगर विजुअल एरिया हो गया तो विजन चली गई, स्पीच एरिया इन्वॉल्व हो गया तो स्पीच चली गई. तो इट्स लाइक नाउ देयर इज अनदर इस्कीमिक स्ट्रोक. जो ब्लड सप्लाई चल रहा है जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, मैं आगे बताऊंगी जाके, प्लेट्स बन जाते हैं, आर्टरी हार्डन हो जाती है. तो ऑलरेडी एक तरह से आपको साइड में दिख रहा है कंस्ट्रक्शन. हाँ तो दिस इज पार्शली ब्लॉक्ड आर्टरी ऑलरेडी बिकॉज ऑफ हाई लिपिड्स, डायबिटीज, लो कंट्रोल नहीं करते हैं तो, या कोई ऑटोमेन डिसऑर्डर, बहुत कुछ होता है जिसमें क्लॉग हो सकता है. उसके बाद कहीं से आके कोई क्लॉट, यू नो, कोई थ्रोम्बस आ जाता है जैसे आपके लेग में, समझ इज लाइन फॉर यू नो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में लेटा हुआ है, इस तरह पैर हिलते रहते हैं तो क्लॉट्स नहीं बनते हैं, ब्लड फ्लो रहता है. अब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है ढंग से तो जम जाता है, उसमें से कोई थ्रोम्बस निकलेगा. डॉक्टर्स क्यों लिपिड के पीछे लग रहे थे कि लिपिड कंट्रोल करो, लिपिड कंट्रोल करो, व्हाई? बिकॉज उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, उसका एक कई बार प्लैक जो होता है स्टेबल होता है, कई बार अनस्टेबल होता है, उसका एक छोटा सा पोर्शन निकला, सर्कुलेशन में गया, बड़ी बड़ी आर्टरीज में आराम से घूमेगा, छोटी आर्टरीज में आके फंस जाएगा. तो अगर वो ब्रेन में आके फंस गया यहाँ छोटे को, इतना सा है वो, पहले आर्टरी इतनी थी, क्लॉग होके वैसी इतनी हो गई, उसमें से भी ये जाके फंस गया. ब्लड फ्लो टू दैट एरिया स्टॉप स्टॉप इज अ कंडीशन कॉल्ड TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक. क्योंकि ब्लड अटैक हुआ लेकिन वो क्लॉट फिर निकल गया, सो द सर्कुलेशन वॉज रिज्यूम. उस टाइम पे पेशेंट को थोड़ा चक्कर सा आएगा, थोड़ा सा डबल विजन हुई या विजन नहीं हुई, चक्कर खा के गिर गया, हल्की सी वीकनेस हुई, फिर ठीक हो गया. डोंट इग्नोर दैट बिकॉज दिस इज अ प्री कर्सर टू स्ट्रोक. अगर वो क्लॉट घुस गया और नहीं निकला इट बिकम स्ट्रोक. तो वहाँ का ब्लड सप्लाई खत्म हो गया, न्यूरॉन्स एक बार गए तो गए, फिर वो वापस नहीं आते. और कितना ब्लड सप्लाई चाहिए, 4 से 6 मिनट के बाद आप इसको रेस्टेट नहीं कर सकते, इतना टाइम है आपको. सो देन इट बिकम्स दैट एरिया बिकम्स नाउ बिकम्स अ इंफार्क्ट. It has lost the viability, all the neurons of that area gone. That is called ischemic stroke. Okay. समझ में आ रहा है? Understand? On a MRI, this is how you see it. MRI करते हैं, you can see this white area, blood shows as a white area. You know? Stroke. This is a bleeding has happened, hemorrhage has happened. किसी भी पेशेंट को एस्पिरिन मत देना. जैसे कई लोग खिला देते हैं ना, स्ट्रोक हो रहा है, वाई? बिकॉज CT या MRI रिपोर्ट बताती है कि ये हेमरेज है कि ये इन्फार्क्ट है. अगर हेमरेज हुआ और आपने पेशेंट को एस्पिरिन दे दी तो जैसे ब्लीडिंग कहीं से हो रही और बढ़ जाएगी, एस्पिरिन विल इंक्रीज ब्लीडिंग, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. जैसे हार्ट अटैक होता है ना, फटाफट एस्पिरिन दे देते हैं, स्ट्रोक में नहीं देना. अगर CT रिपोर्ट बोलती है इन्फार्क्ट है तो एस्पिरिन विल हेल्प. एंटीप्लेटलेट एजेंट है, वो कहीं भी क्लॉट घूम रहा होगा, उसको डिसॉल्व करेगा, ठीक, आगे नहीं बढ़ने देगा. लेकिन अगर ये हेमरेज हुआ तो यू आर किलिंग द पेशेंट. इसके जो थोड़े बहुत चांसेस बचने के होंगे वो भी गए, कि अगर वो ब्लीड करके आए एस्पिरिन दे दी और ब्लीड कर जाएगा एरिया ऑफ द हेमरेज. तो इट्स बेटर टू वेट, सी द CT MRI रिपोर्ट एंड देन टेक अ कॉल. फर्स्ट एड दे दें ना घर में फटाफट, एस्पिरिन पका देते हैं, स्ट्रोक पेशेंट में निकाल, हार्ट अटैक्स में भी.
टू ब्रेन कैंसर, वेरी कॉमन आजकल कैंसर ऑन द राइज इन सी लॉट ऑफ पेशेंट्स. दिस इज अ एरिया ऑफ द ब्रेन कैंसर. This is a normal brain, you can see, and you can see this. This is a glioblastoma multiformis, a very malignant type of cancer. You can see it was almost eaten up by sugeogatubri coldness energy. Yes. Yes. The energy is a coldness energy. But when we come to medical world, we talk of genes, we talk of mutations, genetic mutations, radiation. What causes mutation can be multi. फैक्टोरियल एनवायरमेंट से हो जाता है, आपका रेडिएशन एक्सपोजर से होता है. इन सिंपल वायरस कैन कॉज नेक्स्ट. आई वॉन्ट टू गिव यू अ लिटिल, यू नो आई मीन लिटिल इंसाइड इन टू वॉट हैपन्स. वॉट इज अ नॉर्मल सेल वर्सेज अ कैंसर सेल, हाउ आर दे डिफरेंट? यू कैन सी अ नॉर्मल सेल, एवरी सेल डिवाइड्स. तो नॉर्मल सेल डिवाइड्स एक से दो, दो से चार, बट आफ्टर 16, 18, 32, एट सम लेवल इट स्टॉप्स. इट नोज हाउ टू स्टॉप. देयर सम स्पेशल हेल्पर टी सेल्स जस्ट रिपीटिंग सम इंटरल्यूकिंस. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग व्हेन टू स्टॉप. टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. उसमें एक इंटरल्यूकिन नाम का होता है. इंटरल्यूकिन में 1 to 6 बहुत सारे होते हैं. स्पेशल इंटरल्यूकिन which is responsible for halting this process. You can't go on multiplying. Normal cells होते हैं आपका GI system में, रोज ही change हो रहा है आपका saliva का, tongue का, eyes के, बहुत cells हैं जो regenerate हो रहे हैं. bone marrow में रोज cells बन रहे हैं. But they know when to stop. Cancer cell में क्या होता है, ये faculty somewhere damaged. It could be radiation, it could be your genes, it could be your even a virus giving a mutation. But there are many reasons beyond that. So this faculty is lost, so this is so many cells being formed. Ab in the cells kya karenge, cells tumor banate hain, growth ban jati hai. When you see a growth around, it means the cells are multiplying and not stop. You can see this is a normal cell, this is a cancer. So you can see there's a definite ratio between a nucleus and a cytoplasm, abundant cytoplasm. The nucleus is round, and then there's a nucleolus inside also. Yes. For the nucleolus inside. Malignant cells, you can see this is the shape becomes irregular. The cytoplasm to nucleus, this is the cytoplasm, little of it. Main is this. And then the nucleolus become multiple and द क्रोमैटिन मटीरियल जो होता है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर, वो सारा रेगुलर है, नॉट अ नॉर्मल न्यूक्लियस. दिस इज अनदर कंपैरिजन. यू कैन सी द साइटोप्लाज्म हियर एंड हियर. न्यूक्लियस, यू कैन सी दैट न्यूक्लियोलस बिकम मल्टीपल हियर, देयर इज जस्ट वन न्यूक्लियोलस एंड अ वेरी कोर्स रेगुलर क्रोमैटिन मटीरियल इनसाइड. दिस वी सी ऑन द माइक्रोस्कोपिक. So normal cell, जो cancer cell, the shape will be large, variable, different, अलग अलग shapes में आएगा. Then they are disorganized. जो cells बनते भी हैं तो वो बड़े organized एक form में रहते हैं, they are disorganized. Then they are very variable in size and shape. Most important factor is the normal cells का function. न्यूरॉन्स हैं तो नर्व का अपना काम करते हैं, नेफ्रॉन्स किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, वो हाईली स्पेशलाइज सेल है, वो किडनी का काम करेंगे. अब ये सेल बन तो जाते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, दे आर एबनॉर्मल सेल्स, दे आर नॉट नॉर्मल, सो दे डोंट फंक्शन. इमेजिन समबडी टेकिंग योर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवरीथिंग फ्रॉम अ नॉर्मल सेल, मल्टीप्लाइंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग. आपके घर में चार लोग हैं, कोई काम करते हैं तो फायदे के ना, आठ भी आ गया तो काम करते हैं, कामकाजी लोग अच्छे हैं. अभी यहाँ पे एक साथ 100 लोग आ जाए, कोई काम ना करे, निठल्लू खाना खाना मांगे, आप दो चार लोग हो उनको सप्लाई किए जा रहे हो, तो क्या होता है, वेट लॉस. जो कैंसर पेशेंट का फर्स्ट सिम्टम होता है वेट लॉस, अगर आ रहा है विदाउट एनी रीजन, इट मीन कॉज दिस. बिकॉज सारे नॉर्मल सेल्स से वो सब लेके प्रोटीन सब कुछ लेकर, मटीरियल लेकर, एनर्जी लेकर, ऑन देयर कॉस्ट दे आर डेवलपिंग एंड दे डोंट डू एनीथिंग, दे डोंट डू देयर नॉर्मल फंक्शन. सो देयर इज नो नॉर्मल फंक्शन ऑफ दिस सेल.
यू कैन सी एक नॉर्मल पैनक्रियास का ये क्रॉस सेक्शन है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एंड यू कैन सी दीज आर द आई फिर टेकन सेंट्रल नर्व सिस्टम के साथ आई ईयर मैंने कवर कर लिया आई कैन सी दिस इज सीरा वाइट पार्ट सीरा इसके कुछ पतली से झुली होती है पूरी आई के ऊपर ग्लिस्टनिंग सी रहती है दैट इज कॉल्ड कंजंक्टिवा और दिस इज आयरिस आयरिस कैन अगेन और जो होल होता है इट्स नॉट ब्लैक एक्चुअली इट्स अ होल जिसके थ्रू लाइट जाती है इसको हम यूनो आईरिस तो व्हेन यू टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ आई यू विल सी द थ्री लेयर्स हाँ अंदर की लेयर जिसमें विजन आता है वो रेटिना है यू कैन सी दिस विंडो देन देयर इज कोरोइड एंड स्क्लेरा स्क्लेरा बाहर की लेयर तो रेटिना और स्क्लेरा के बीच में कोरोइड है और दिस इज द लेंस तो जब लाइट जाती है प्यूपिल्स के अंदर से जाके लेंस पे जाती है लेंस पे जाके एक इमेज बनती है रेटिना और वो रेटिना की इमेज ये ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में जाएगी रेटिना में इमेज इन्वर्टेड बनती है और ब्रेन में जाके सीधी हो जाती है हाउ इट हैपेंस इज ठीक है सो ये ऑप्टिक नर्व सेंसरी हो गई इट इज टेकिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन अब ब्रेन जो विजुलाइज करके अब बुल देखा उसने डिसाइड किया तो डेंजरस है ना एसोसिएशन एरिया में बोला डेंजरस है मेमोरी सेल्स में बोला फिर वो जो बोलता है विड्रॉ रन तो वो जो ऑर्डर देगा वो होगा मोटर मोटर नर्व सो एवरी नर्व इज इधर अ सेंसरी नर्व और अ मोटर नर्व सब नर्व द बोथ बोथ सेंसरी ये और डिटेल है नीड नॉट गो इनटू दैट सो आइडिया अच्छा ये जो आगे का चेंबर है ये कितना है कंजंक्टिवा है और ये जो आगे का चेंबर इसको बोलते हैं एंटीरियर चेंबर और ये पीछे का चेंबर पोस्टीरियर चेंबर तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ता है ग्लूकोमा में आगे बताऊंगी वो इंटीरियर चेंबर में होगा ये चेंबर में अगर प्रेशर बढ़ गया दैट इज टू मुझे याद है 6th क्लास में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था ना चेंबर्स This is iris. And you'll be surprised to know every human has a different iris. Yes. There's no duplication of iris. They're late. You can be recognized with your iris pattern. और आप भगवान की creation सोच सकते हैं कितने billions of people everybody has a different iris pattern. यही खुदा है जिसने बनाया ऐसा इतने लोग बनाए इतने चेहरे वही आँख नाक मुँह फिर भी हम लोग सब एक दूसरे को देख के रिकॉग्नाइज कर दिया और लुकिंग डिफरेंट और आयरस तो हम लोग का इतना स्पेशल है ठप्पा है जैसे कि आप आपका आयरस मेरे पास नहीं है इनके पास कर लो वी कम टू रेटिना रेटिना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारा जो विजन होता है उसकी जो इमेजेस बनती हैं आँख का पर्दा बोलते हैं हाउ इट लुक्स एक नॉर्मल आप थर्मोस्कोप से देखेंगे तो These are the blood vessels you can see. Next. This is the how optic atrophy looks. The optic nerve gets atrophied. अगर optic nerve ही atrophy हो गई तो सारी information brain को कौन लेके जाएगा? It leads to vision loss. And this happens because of glaucoma. Glaucoma को lightly मत लीजिए ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है अगर प्रेशर हाई का प्रेशर ज़्यादा टाइम हाई रहा तो ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो जाए एंड हैपन्स इन मेनी अदर कंडीशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डायबिटीज लॉट ऑफ अदर कंडीशन मैक्युलर डीजनरेशन दिस इज वेरी कॉमन एंड यू सी इन एज जिनकी सिराइल चेंज हो जाते हैं ओल्ड लोगों में ज़्यादा मिलता है और डायबिटिक्स में मैक्युलर डिजनरेशन मिलता है बहुत सारे ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स हैं SLE है और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें डिजनरेशन मिलता है तो द मैक्यूला इज गॉट डिजनरेटेड और अगर डिजनरेशन हो जाता है तो विजन लॉस होता है इट कुड बी अ ग्रेजुअल बट इट इज दिस इज अ रेटिनल हेमरेज व्हाट हैपेंस जैसे हमने स्ट्रोक किया था बीपी बहुत हाई है एकदम से प्रेशर हुआ तेज और
ब्रेक हो गया, वही ब्रेक यहाँ पे भी होता है। अगर तो हाई ब्लड प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम, डॉक्टर्स क्यों पीछे लग रहे थे, बीपी ठीक करो, शुगर ठीक करो, लिपिड ठीक रखो, पागल नहीं है तो रीज़न है कि जब कॉम्प्लिकेशन होता है पेशेंट तो वो कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। तो अवॉइड ऑल दिस वी आस्क फॉर अ कॉन्स्टेंट ब्लड टेस्ट। ये देखिए रेटिना में अगर छोटी इतनी पतली पतली महीन महीन, मतलब यू नॉट थिंक देर एम एम में होती हैं, आर्टरीज और वेंस एम एम में, उस पर हाई प्रेशर आ गया तो कोई को 150-110 बीपी चल रहा है, और इतनी पतली सी आर्टरी को ब्रेक होने में टाइम नहीं लगता, ब्रेक्स एंड देन हेमरेज इज हैपनिंग हियर एंड दैट लीड्स टू ब्लड ऑक्सीजन लॉस एंड डायबिटिक्स में भी होता है बट वेरी परमानेंट। हाई बीपी कैन हर्ट योर किडनीज, इट कैन हर्ट योर ब्रेन, कॉज स्ट्रोक एंड इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड इफेक्ट ऑन द रेटिना। दिस इज रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना वॉज अटैच टू द कोरॉइड, आगे क्लियर रखो। सडनली जैसे आपका एकदम से एक एक्सीडेंट सा हुआ, जर्क लगा, सडन जर्क, दैट कैन सडनली कॉज रेटिना टू डिटैच फ्रॉम कोरॉइड। दिस हाउ इट लुक्स, यू नो कोरॉइड पीछे आएगी, इधर से निकल आया। एंड रेटिनल डिटैचमेंट इज वन ऑफ द रीजन फॉर सडन विजन लॉस, बट यू कम्स फॉर एकदम से कल तक को दिख रहा था आज नहीं दिख रहा, इट इज रेटिनल डिटैचमेंट। वेरी कॉमन कंजंक्टिवाइटिस, आँख आ गई है, आँख आ गई, लाल लाल आँखें देखे घूमते हैं ना, दैट इज यू कैन सी दिस ग्लिस्टनिंग, दिस इज अ कंजंक्टिवा। सो नाउ यू नो किस प्रॉब्लम में कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, कुछ रेटिना की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंजंक्टिवा की हैं, है ना, कुछ प्रेशर की हैं, आगे कैटरैक्ट, वेरी कॉमन कैटरैक्ट ऑपरेशन घर घर में होता है। दिस इज द लेंस प्रॉब्लम, व्हेन यू सी कैटरैक्ट देन यू लुक एट द लेंस, लेंस हैज बिकम ओपेक, जब तक कि वो क्लियर है तो लाइट इज पासिंग थ्रू इट, तो विजन रेटिना पे आ रहा है, और अगर यही ओपेक हो गया जैसे डिजनरेशन है या तो लाइट विल नॉट पास थ्रू। अभी कई लोगों का क्या होता है, ये लेंस ठीक है लेकिन रेटिना गड़बड़ है तो विजन नहीं आएगी, लेकिन अभी रेटिना ठीक है लेकिन अगर लेंस खराब है तो भी विजन नहीं है, तो देयर इज अ डिमिनिशन ऑफ विजन। मोस्ट ऑफ द कैटरैक्ट एक्सेप्ट ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट जल्दी से कई लोगों को हो जाता है, अदरवाइज ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, एकदम से ही ओपेक नहीं होता, धीरे 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 ओवर पीरियड ऑफ टाइम ओपेक होता है। सो डिमिनिशन ऑफ विजन इज ग्रेजुअल, हल्का हल्का दिखेगा, थोड़ी थोड़ी ब्लरिंग रहेगी, धीरे धीरे धीरे। दिस हाउ इट लुक्स, प्रेशर जब बढ़ जाता है इसमें, दिस हाउ इट लुक्स, यू कैन सी ब्लरिंग सी है, यू कैन सी ग्लूकोमा इज वेरी डेंजरस, इसका बीपी हाई होता है, प्लीज़ अपने आई प्रेशर भी चेक कराइए बीच में, जब विजन मतलब ये नहीं होता है कि चश्मे का नंबर ले लिया, विजन में रेटना चेकअप, यू नो मैक्युलर डिजनरेशन है, सब देखने के लिए आई प्रेशर शुड बी चेक, अगर आई प्रेशर हाई है द सिम्पटम्स आर लॉट ऑफ आई पेन, बर्निंग, वाटरिंग। और जो लोग सोचते हैं कि मेरी ड्राई आई जी मैं तो आई ड्रॉप डाल के चला लेता हूँ, वो ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर हाई हुआ लॉन्ग टर्म में इट विल कॉज ऑप्टिक एट्रॉफी, ऑप्टिक एट्रॉफी मीन्स विजन लॉस, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर आई प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर होता है आई प्रेशर भी होता है। नहीं ठीक है, अगर भी ब्रेक लेंगे ना ओके जस्ट